धनबाद में इंडिया गठबंधन की बैठक, सभी सीटों पर जीत की रणनीति बनाई गई। धनबाद शनिवार को साजानंद सरस्वती ट्रस्ट में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने की और संचालन झामुमो के सचिव मनु आलम ने किया। बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें धनबाद लोकसभा के कांग्रेस ऑब्जर्वर और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी अजय कुमार दुबे, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, टुंडी से विधायक मथुरा प्रसाद महतो, निरसा से अरूप चटर्जी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा सीटों पर गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता में भाजपा के प्रति मोहभंग हो रहा है, गठबंधन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। नेताओं ने राज्य सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, कृषि ऋण माफी, 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं को जनता के हित में बताया है। बैठक में सभी प्रत्याशियों ने कार्यकर्ताओं से अपील की, आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करें। इस अवसर पर गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, माले सहित तमाम संगठन के लोग हम लोग आज 10 बजे से यहाँ पर चुनावी मंथन बैठक में करके कैसे जीत हो कांग्रेस पार्टी जेएमएम और आरजेडी के जो भी प्रत्याशी है माले का, तमाम प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के कैसे जीते, इस पर नीति हम लोगों ने बनाया। और आज हम लोगों ने तय किया कि जहां जहां से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसको जिताने के लिए कार्यकर्ता ये ना देखे कि हमको पूछा गया नहीं पूछा गया, हमको ये देखना है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। और ये तभी होगा कि जब सभी हमारे घटक दल मिलकर करके और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी समर में कूदे और कमान, चाहे निरसा में हमारे माले के प्रत्याशी है तो वहां पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम तमाम लोग उसको समर्थन प्रयास करें, मजबूती से करें। उसी तरह हर एक विधानसभा में दूसरी बात हमारे पास गिनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की लोकप्रिय सरकार, हेमंत सोरेन जी ने जिस ढंग से महिलाओं को महिला योजना के तहत लाभ दिया, जिस तरह के यहाँ के कृषि लोन माफ कर करके जो सौगात दिया किसानों को, जिस ढंग से गरीबों को अपना आवास दिया, जिस ढंग से बिजली बिल माफ किया और कई वृद्धा पेंशन सहित कृषि लोन, तमाम मुद्दों पर हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बताने काम करेंगे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार ने झारखंड में बहुत सारे काम किए हैं और इस काम के मजदूरी के स्वरूप में हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। अभी अखबारों के माध्यम से अभी आप लोगों को भी जानकारी हो गई कि 4 से 5 तारीख के बाद लगभग सभी पार्टी के स्टार कैंपेनर चुनावी क्षेत्र में कुछ कर गए हैं। अभी हमने देखिए आज कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर विधायक भागलपुर के अजीत शर्मा जी आए हुए हैं, जो यहीं पर कैंप कर करके तमाम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में काम शुरू कर दिए। और हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम पार्टी के हेमंत सोरेन जी और आरजेडी के तेजस्वी जी, सभी लोग जल्द आने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उपस्थित में चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। अब हम चाहेंगे हमारे जेएमएम के जिलाध्यक्ष लक्ष्य